चाहे घर नया हो या फिर पुराना हो, पर जब भी आप घर को पेंट करते हैं तो आपको ट्रेंड के हिसाब से घर को कलर करना चाहिए, जिससे कि आपका घर काफी ज्यादा मॉडर्न और खूबसूरत दिखाई देने लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम बेडरूम के बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। और बेडरूम के लिए हम जो कलर देखने वाले हैं, यहाँ पर हम टू कलर का कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं, जिसमें कि आप जो मेन डार्क कलर है उसे किसी एक वॉल को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और बाकी तीन वॉल के लिए जो लाइट कलर है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम जो कलर कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं, उनमें से कुछ कलर जो है वो आपके बेडरूम को काफी रिच लुक देंगे, वहीं दूसरे तरफ कुछ ऐसे भी कलर कॉम्बिनेशन हम देखने वाले हैं जिनकी वजह से आपको बेडरूम के अंदर काफी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस होगा। साथ में कुछ ऐसे भी कलर कॉम्बिनेशन होंगे जिनकी वजह से आपको बेडरूम के अंदर काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस होगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर पहला ट्रेंडिंग कलर ऑप्शन आ जाता है, जो कि है ग्रे कलर फैमिली की तरफ से, यानी कि कूल कलर ऑप्शन हम देखने वाले हैं। तो उसमें पहला ऑप्शन है जो कि है आइस सिल्वर, जिसका कि कलर कोड है 8236, जो कि आप अपने तीनों वॉल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये थोड़ा सा लाइट शेड है। उसके बाद में डार्क शेड, यानी कि आपकी एक वॉल को हाईलाइट करने के लिए आप जो है म्यूटेड ग्रे कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका कि कलर कोड है 8231। ये किसी एक वॉल को डार्क या फिर हाईलाइट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल ग्रे कलर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो आप इस कलर कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एक अच्छा रिच लुक देने का काम आपके बेडरूम के लिए करेगा। अगर आपको चाहिए एकदम मॉडर्न और रिच लुक, जिसे देख के लोग कहे जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, तो इसके लिए आपको आपकी जो तीनों लाइट शेड वाली वॉल है उसके ऊपर पिंक टिंच एन कलर करना है, और उसका जो कलर कोड है वो है K022। जो डार्क वॉल है उसके लिए आप कूल लगुन, जिसका कि कलर कोड है 7477, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही रिच लुक देने का काम करेगा आपके बेडरूम को। अब बेडरूम के लिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा ट्रेंडिंग और एनर्जेटिक है। इसमें पहला कलर ऑप्शन आ जाता है, जो कि आप अपने तीनों वॉल के लिए दे सकते हो, वो है विंटर मून, जो कि थोड़ा सा लाइट शेड में है, जिसका कि कलर कोड है 8258। वहीं पर जब हम डार्क वॉल की बात करते हैं, यानी कि जिस वॉल को आप हाईलाइट करने वाले हो, उसके लिए आप बर्निश्ड अर्थ एन, जिसका कि कलर कोड है 9929, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि आप अगले फोटो में देख सकते हो, ये काफी अच्छा दिखाई देता है। अब आपको रेगुलर कलर से हटके थोड़ा सा अलग और यूनिक कलर ऑप्शन चाहिए, तो ऐसे में आप नेक्स्ट कलर ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आप जो है अपने तीनों वॉल के लाइट कलर शेड ऑप्शन के लिए कूल क्रिस्टल एन कलर ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिसका कि कलर कोड है 0977। और वहीं पर जो वॉल आपको हाईलाइट करनी है, यानी कि जो डार्क वॉल है, उसके लिए आप एल्म ग्रूम, जिसका कि कलर कोड है 7453, इस कलर ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कलर ऑप्शन के बारे में, जो कि काफी ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ज्यादा पंची कलर वाला है, जिसमें कि आप जो है अपने डार्क वॉल के लिए वाइल्ड प्रून का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका कि कलर कोड है 8125। और बाकी तीन जो लाइट शेड वाली वॉल है उनके लिए आप व्हाइट गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका कि कलर कोड है 8292। ये कलर काफी ज्यादा पंची दिखाई देता है। अब जिन लोगों का फेवरेट कलर पर्पल है, तो अगला कलर कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो लाइट कलर वाली वॉल है उनके लिए आप फर्स्ट रोस्ट कलर दे सकते हो, जिसका कि कलर कोड है 8316। उसके बाद में जो पर्पल कलर है, उसके बाद में पर्पल लोर एन, जिसका कि कलर कोड है 9606, इसे आप अपने बेड के पीछे वाली वॉल के ऊपर लगा सकते हो। अगर आपको ग्रे काफी ज्यादा पसंद है और आप उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो थोड़ा सा डार्क कलर शेड वाला जो ऑप्शन है उसमें आप एलिगेंट ग्रे, जिसका कि कलर कोड है 8232, उसके साथ में जो सेलर स्ट्रिप्स करके कलर आता है, जिसका कलर कोड है 9643, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि ये दोनों कलर कॉम्बिनेशन जो है थोड़े से डार्क है, इसी वजह से अच्छी रोशनी चाहिए और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको इस कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद जो अगला कलर है काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, और इसके वजह से आपके बेडरूम के अंदर अच्छी खासी रोशनी भी आएगी। तो यहाँ पर आप अपने तीनों लाइट कलर वाली जो वॉल है उनके लिए हिल क्रिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका कि कलर कोड है 7236। और जो डार्क वॉल है उसके लिए आप ग्लोरियस सनसेट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका कि कलर कोड है X111। उसके बाद अगर आपको बहुत ही हटके कलर चाहिए, तो आप जो है अल्पाइन ग्रीन की तरफ जा सकते हो, जिसका कि कलर कोड है 7588। और अगर आपको उसके साथ काफी ज्यादा नेचुरल फील चाहिए, तो आप डीप जंगल के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो, जिसका कि कलर कोड है 7557। अगर आपको थोड़ा सा शांत कूल और एक नेचुरल वाइब चाहिए, ऐसे में आप जो है एयर ब्रिज के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। ये जो कलर है ये आपको तीनों लाइट शेड वाली वॉल के लिए इस्तेमाल करना है, इसका जो कलर कोड है वो है 9436। और इस कलर के साथ आपको जो डार्क वॉल है उसके लिए आप जो है टेराकोटा गोल्ड एन कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका कि कलर कोड है 9912।
ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग कलर है। अगर आप तीनों वॉल को व्हाइट कलर में कलर करना चाहते हो तो आप शुगर L126 का इस्तेमाल कर सकते हो, और L126 के साथ आप जो डार्क वॉल है उसके लिए आप जो है ऑरेंज स्पार्क, जिसका कि कलर कोड है 7951, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको दूसरा इसके साथ डार्क शेड चाहिए तो आप रस्टिक अर्थ N, जिसका कि कलर कोड है 9901, तो इसका इस्तेमाल शुगर नट के साथ कर सकते हो, जो कि एक अच्छा लुक देने का काम आपके बेडरूम को करेगा। यानी कि यहाँ पर आपको जो व्हाइट कलर है वो भी मिलेगा, जिससे कि रोशनी अंदर आ पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कलर ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, अगर आप लाइट शेड काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो और आपको ब्लू भी अच्छा लगता है तो आप जो है स्कूबा ब्लू के तरफ जा सकते हो डार्क वॉल के लिए, जिसका कि कलर कोड है 7237। और आपकी जो तीनों लाइट वॉल होंगी उनके लिए आप जो है आइस ग्रे के तरफ जा सकते हो, जिसका कि कलर कोड है 8259। उसके बाद आप एक मॉडर्न लुक चाहते हो एकदम सिंप्लिसिटी के साथ, ऐसे में आप जो है तीनों लाइट वॉल के लिए व्हाइट गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका कि कलर कोड है 8292। और जो चौथी आपकी जो डार्क वॉल होगी उसके लिए आप जो है एलिगेंट ग्रे का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका कि कलर कोड है 8232। अब इसके साथ आपको और भी ज्यादा मॉडर्न लुक चाहिए, ऐसे में लोग जो है ग्रे और येलो का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो यहाँ पर आप जो है गैलेक्टिक ग्रे का इस्तेमाल कर सकते हो, और आपकी जो डार्क वॉल है उसके लिए आप लेमोनेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो गैलेक्टिक ग्रे एन है उसका कलर कोड है K078, और जो लेमोनेड है उसका कलर होगा 7830। अब इस कलर कॉम्बिनेशन के एकदम अपोजिट, यानी कि सिंपल सोबर और मॉडर्न कलर अगर आप करना चाहते हो तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि आप जो है ओल्ड कॉफी के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो अपने तीनों लाइट वॉल के लिए, जिसका कि कलर कोड है L129। और वहीं पर जो डार्क वॉल है उसके लिए आप जो है सैंडस्टोन के तरफ जा सकते हो, जिसका कि कलर कोड है 3211। ये काफी सिंपल और सोबर कलर है, जो कि दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है, ज्यादा पंची या फिर फ्लैशी कलर नहीं है। उसके बाद में अगला कलर ऑप्शन आ जाता है, जहां पर आप जो है डार्क वॉल के लिए पेरी पेरी एन K230 का इस्तेमाल कर सकते हो, और आपकी जो लाइट कलर वाली वॉल है यानी कि तीनों वॉल के लिए आप जो है मॉर्निंग ग्लोरी का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका कि कलर कोड है 765। अब थोड़े से एनर्जेटिक और वार्म कलर ऑप्शन के तरफ जाते हैं, जिसमें कि आप जो है तीनों लाइट शेड वाली जो वॉल है उनके लिए मेलन सोबेट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका कि कलर कोड है 7993। और जो डार्क वॉल होगी उसके लिए आप जो है ऑरेंज सिल्क का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका कि कलर कोड है 7999। अब अगला जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है, जिसमें कि आप तीनों वॉल के लिए मॉरिशियस कलर का इस्तेमाल करोगे, जिसका कि कलर कोड है 7458। और आपकी जो एक वॉल है उसके लिए आप जो है क्रीम सिल्क का इस्तेमाल करोगे, जिसका कि कलर कोड है 7955। ये बहुत ही यूनिक कलर कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से और एक यूनिक और मॉडर्न डिजाइन ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, जिसमें कि आप तीनों वॉल के लिए सीसम सीड कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका कि कलर कोड है L127। और जो डार्क वॉल है उसके लिए आप जो है कॉन्टिनेंटल ग्रीन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका कि कलर कोड है 7479। तो दोस्तों इतने सारे कलर ऑप्शन हमने देखे हैं, तो इनमें से आपका कौन सा फेवरेट कलर ऑप्शन है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और ये जो बेस्ट कलर ऑप्शन है आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।